पूरे प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के रूप में सामूहिक रूप से 32 विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त संगठन के तमाम अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए। कार्यालयों के ताले भी अधिकारियों को खुद खोलने पड़े। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल और सामूहिक अवकाश किया गया। इसके पूर्व भी 2 चरणों में ज्ञापन आंदोलन किया जा चुका है। अधिकारियों ने डिप्टी कलेक्टर कुमार सानू देवरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा के समर्थन में तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ ने भी ज्ञापन सौंपा और अवकाश पर जाने की घोषणा की। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सर, आज ज्ञापन सौंपा सूत्रीय मांगों को लेकर किस संघ ने? हमारा जो तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का जो संघ है प्रदेश लेवल पे, तो आज हम लोगों ने सामूहिक अवकाश लिया है, उस संबंध में ज्ञापन दिया है। क्योंकि हमारे जो साथी हैं उनको प्रमोशन अभी तक नहीं मिला है और प्रमोशन की कार्रवाई शिथिल चल रही है। इस कारण इसमें ये सब लिखी हुई हमारी 2 मांगे हैं। खासकर जो प्रमोशन के संबंध में मांगे उसको लेकर के पूरे प्रदेश में आज हम लोग अवकाश पर आएंगे। देखिए, आज हमारे प्रदेश के जो 32 कर्मचारी संघ है, संगठन है, उन सबका आज सामूहिक अवकाश ले रहे हैं। और हमारे प्रदेश के लगभग 52,000 से अधिक कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। आप मुख्य समाचारों के कैप्शन में देख रहे होंगे कि प्रदेश में जो आज की हड़ताल है, एक दिवसीय, वो पूरी तरह से सार्थक है और 98% हम लोगों की हड़ताल में अब हुई है, सार्थक हुई है। और ये हड़ताल का एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो कर्मचारियों की 3 मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उस पर सरकार निर्णय ले। एक मांग सरकार हमारी मान चुकी है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमेशा से अधिकारी कर्मचारियों के प्रति, उनके हितों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। हम उनसे आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन पर गौर करें, सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। देखिए, आज हमारे प्रदेश में कर्मचारियों को जो डीए का परसेंटेज का एवरेज है वो 16% हम लोग कम पा रहे हैं। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी इस समय 28% डीए पा रहे हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी वो 12% डीए पा रहे हैं। जैसे कि बात करेंगे आपके जो कर्मचारी आपके हड़ताल पर जाने पे किस तरह देखेंगे, दफ्तरों में सन्नाटा है, कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, हमारा स्कूल बंद है, स्वास्थ्य कर्मी हमारे साथ हैं, जनपद कर्मी जी हमारे साथ हैं, अधिकारी साथ हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, राजस्व निरीक्षक सभी हमारे साथ हैं, एकजुट हैं। और इसमें फूड इंस्पेक्टर भी, जो जिला आपूर्ति संघ है, आपूर्ति कार्यालय जो संघ है पूरे प्रदेश स्तर पर, वो भी आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, औषधि निरीक्षक सब हड़ताल पर हैं। और हमारा उद्देश्य जनता को परेशान करने का नहीं है, हमारी मांगे वाजिब हैं। हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। इसके पहले हमने 20 तारीख को सरकार को अल्टीमेटम दिया था, कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन हमने सौंप कर ये निवेदन किया था कि हमारी मांगों पर गौर करें और यदि नहीं की जाती है तो हम 29 तारीख को एक दिवस के सामूहिक हड़ताल करेंगे और प्रदेश बंद करेंगे। आज हम आपको ये भी बता दें कि अगर इसके बावजूद भी सरकार नहीं चेतती है, हमारी मांगों पर गौर नहीं करती है, तो हम बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। इसका निर्णय आज हमारे प्रदेश स्तरीय जो संगठन के पदाधिकारी हैं एक टेबल टॉक करके, टेबल वार्ता करके सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे और फिर हम लोग बेमुद्दत हड़ताल पर जाएंगे। इसका पूरा दारोमदार प्रदेश सरकार का होगा। कर्मचारी मजबूरी में एक कदम उठाएंगे और हम पूरे कर्मचारी एक हैं और एकता हमारी बनी रहेगी। क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।